वेलकम बैक। तो हम पढ़ रहे हैं पैवलोव की थ्योरी, और पैवलोव की थ्योरी में हमने बेसिक आइडिया लिया क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है, कंडीशन स्टिमुलस क्या है, इस तरह की चीजें। अब बात करते हैं पैवलोव के एक्सपेरिमेंट की। पैवलोव का एक्चुअल एक्सपेरिमेंट क्या था डॉग के साथ, आप सबने पढ़ा है। तो डॉग को खाना जब दिया, उस टाइम घंटी बजाई कुत्ते ने, घंटी के बाद सुन के उसको लगने लगा कि खाना आने वाला है, उसने लार टपकाना उस टाइम शुरू कर दिया इस तरह से। तो इससे हम समझेंगे लर्निंग किस तरह से होती है और लर्निंग के क्या क्या प्रोसेस चलते हैं। तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है प्रोसेसेस ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग कैसे होती है, लर्निंग के क्या क्या प्रोसेस हैं और वो किस तरह से चलते हैं। तो यहां पे हम इसको समझने के लिए पैवलोव के ही एक्सपेरिमेंट का एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले होता क्या है, पैवलोव ने मान लीजिए फिक्स किया हुआ है कि वो कुत्ते को सुबह 6 बजे खाना देगा, 6 AM पे, और हर 2-2 घंटे के गैप में खाना देगा। तो मान लो 8 AM पे देगा, फिर 10 AM पे, फिर 12 PM, फिर 2 PM, फिर 4 PM, फिर 6 PM, एंड सो ऑन। इस तरह से वो खाना दे रहा है। अब पैवलोव ने क्या किया, जब उसने 6 बजे खाना दिया उसने घंटी बजाई, 6 बजे खाना दिया उसने घंटी बजाई, ठीक 8 बजे जब उसने खाना दिया उसने फिर घंटी बजाई, बट 6 बजे से 8 बजे के बीच में ना तो उसने खाना दिया है ना उसने घंटी बजाई है। फिर जब उसने 10 बजे खाना दिया घंटी बजाई, फिर जब उसने 12 बजे खाना दिया घंटी बजाई, फिर जब उसने 2 बजे खाना दिया घंटी बजाई। तो हर बार पैवलोव जब खाना दे रहा है उस टाइम वो घंटी बजा रहा है, और जिस टाइम वो खाना नहीं दे रहा है उस टाइम वो घंटी नहीं बजा रहा है। कई हफ्तों तक ये चीज चली, धीरे धीरे करके कुत्ते के दिमाग में क्या आया, उसको क्या लगने लगा, घंटी बजने का मतलब है खाना आने वाला है। ऐसा पैवलोव जो डॉग था उसको लगने लगा पैवलोव के एक्सपेरिमेंट में। और इस प्रोसेस को जब सबसे पहली बार ऐसा हुआ कि कुत्ते को लगने लगा घंटी बजने का मतलब है खाना आने वाला है, ठीक है, कई हफ्तों तक ये चीज चली है। अब क्या होता है, 6 बजे जब पैवलोव ने जैसी घंटी बजाई कुत्ते का लार टपकाना बढ़ गया। अभी पैवलोव ने खाना नहीं दिया है, घंटी बजाई है और कुत्ते का लार टपकाना बढ़ गया है, तो मतलब कंडीशनिंग हो गई है, कुत्ते ने घंटी की आवाज को खाने से जोड़ दिया है। सबसे पहली बार जब ऐसा हुआ इसको कहा गया एक्विजिशन। एक्विजिशन मतलब व्यवहार को अर्जित कर लेना। तो कुत्ते ने इस व्यवहार को अर्जित कर लिया है कि घंटी बजने का मतलब है खाना आने वाला है, इसको कहा गया एक्विजिशन। अब पैवलोव ने देखा, कुत्ते ने तो ये समझ लिया कि मतलब घंटी बजने का मतलब है खाना आने वाला है। अब पैवलोव ने अपने एक्सपेरिमेंट में चेंज किया। पैवलोव ने एक्सपेरिमेंट में क्या चेंज किया, पैवलोव बहुत सारी घंटियां ले आता है। पहले उसके पास एक बेल थी, अब वो अलग अलग तरह के साउंड वाली बेल लेके आया है। जब 6 बजे उसने खाना दिया उसने पहली वाली घंटी बजाई, जब 8 बजे उसने खाना दिया उसने दूसरी वाली घंटी बजाई, जब 10 बजे उसने खाना दिया उसने तीसरी वाली घंटी बजाई, जब 12 बजे उसने खाना दिया इन्हीं 3 में से, मान लीजिए 3 बेल है, इन्हीं 3 में से उसने कोई बेल बजाई। ऐसी उसने सेम बार यही करा है, मतलब हर बार कि ये 3 बेल में से कोई सी बेल बज रही है जब खाना आने वाला है। अब हुआ क्या, धीरे धीरे करके कुछ हफ्तों बाद कुत्ते को लगने लगा पहली दूसरी तीसरी मतलब हर बेल के बाद खाना आ रहा है, मतलब हर आवाज के बाद खाना आ रहा है, मतलब कोई सा भी लाउड साउंड हो मतलब खाना आने वाला है। कुत्ते के बिहेवियर में ऐसा देखा गया। इन 3 के अलावा भी जब दरवाजा खटखटाने की आवाज होती है कुत्ते का लार टपकाना बढ़ गया। देखा गया जब कोई चल के आ रहा है, सीढ़ियां चढ़ के आ रहा है, चलने की बहुत तेज आवाज आ रही है, तो कुत्ते का लार टपकाना बढ़ गया। तो पैवलोव ने देखा कोई सा भी लाउड साउंड हो, कोई सी भी तेज आवाज हो, कुत्ते का लार टपकाना बढ़ गया, मतलब कुत्ता अब ये नहीं देख रहा है कि खाना कब आ रहा नहीं आ रहा है, वो ये देख रहा है लाउड साउंड है मतलब खाना आने वाला है। और इस प्रोसेस को कहा गया जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन ऑफ बिहेवियर। अब कुत्ता हर आवाज के बाद अपना लार टपकाना बढ़ा देता है, यह है सामान्यीकरण, व्यवहार का सामान्यीकरण, बिहेवियर का जनरलाइजेशन। अब पैवलोव ने देखा तो गड़बड़ हो गई, 3 तरह की बेल तो लाया था बट कुत्ता तो हर आवाज पे रिस्पॉन्स दे रहा है, हर आवाज पे उसका लार टपकाना बढ़ जा रहा है, मतलब ये तो गड़बड़ हो गई। अब पैवलोव ने अपने एक्सपेरिमेंट में फिर चेंज किया। पैवलोव ने क्या किया, उसने 3 में से एक बेल फिक्स करी और उसने 6 बजे वो वाली बेल बजाई, 8 बजे भी वही वाली बेल बजाई, 10 बजे भी वही वाली बेल, 12 बजे भी वही वाली बेल, मतलब हर बार जब खाना दे रहा है वही वाली बेल वो बजा रहा है, बट जो बाकी 2 बेल हैं उनको वो बजा रहा है 8 और 6 के बीच में। यहां पे उसने 1 और 3 वाली बेल बजाई, 8 और 10 के बीच में भी उसने ये बेल बजाई, तो जो बीच का टाइम है
आठ और दस जहां पे वो खाना नहीं दे रहा है बट वो बेल बजा रहा है। तो पैवलॉव खाना जब देता है एक फिक्स घंटी को रखता है और बाकी जो घंटियां हैं उनको बजा रहा है, बट तब बजा रहा है जब खाना नहीं दे रहा। मतलब एक घंटी बची, दूसरी वाली खाना आ गया, पहली वाली घंटी बची खाना नहीं आया, तीसरी वाली घंटी बची खाना नहीं आया, दूसरी वाली घंटी बची खाना फिर से आ गया। तो हर बार उसी घंटी के बाद खाना आ रहा है सेकंड वाली के बाद, और बीच में जो टाइम का गैप है इतना सारा उसमें और घंटियां बज रही हैं और साउंड आ रहे हैं। जब कुछ हफ्तों तक ये चीज चली, कुत्ते को फाइनली समझ में आ गया कि पर्टिकुलरली कौन सा साउंड है जिसके बाद खाना आ रहा है। तो कुछ हफ्तों बाद कुत्ते ने पहली तीसरी घंटी पे और इसके अलावा जितनी आवाजें थी उन सबको रिस्पॉन्स, उन सब पे रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया, बट दूसरी वाली पे रिस्पॉन्स दे रहा है, दूसरी वाली बेल पे वो रिस्पॉन्स दे रहा है। तो कुत्ता फाइनली समझ गया है कि कौन सी घंटी की आवाज है जिसपे खाना आ रहा है और बाकी आवाजें बेकार है। ऐसा फाइनली उसको समझ में आ गया और इसको कहा गया, इस प्रोसेस को कहा गया डिस्टिंक्शन या डिस्क्रिमिनेशन। डिस्टिंक्शन या डिस्क्रिमिनेशन। तो अब कुत्ता डिस्टिंक्ट मतलब विभेद करने लग गया है, वो पहचानने लग गया है एग्जैक्टली कौन सी घंटी के बाद खाना आता है, कौन सी घंटी के बाद खाना नहीं आता है। ये है डिस्टिंक्शन। अब पैवलोव ने देखा कि भाई बाकी घंटियों से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पहली और तीसरी घंटी से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दूसरी कुत्ते को समझ में आ गई है कि भैया दूसरी घंटी है जिसके बाद खाना आने वाला है। अब पैवलोव ने फिर एक्सपेरिमेंट में चेंज किया। अब पैवलोव ने क्या चेंज किया, उसने वही दूसरी वाली घंटी जिस पे कुत्ता रिस्पॉन्स कर रहा है उसको रखा हुआ है, बट 6 बजे उसने खाना दिया घंटी नहीं बजाई, 6 बजे खाना दिया घंटी नहीं बजाई, तो 6 बजे घंटी नहीं बजी है। 8 बजे भी उसने खाना दिया घंटी नहीं बजाई, बट 6 और 8 के बीच में जो 2 घंटे का गैप है इसमें उसने दूसरी वाली बेल बजाई, और जब दूसरी वाली बेल बजाई तब खाना नहीं दिया, 6 बजे खाना दिया घंटी नहीं बजाई। मान लीजिए 7 बजे उसने घंटी बजाई है बट खाना नहीं दिया 7 बजे, फिर उसने 8 बजे खाना दिया और 8 बजे घंटी नहीं बजाई, तो 6 बजे घंटी नहीं बजी खाना मिला, 8 बजे घंटी नहीं बजी खाना मिला, 7 बजे घंटी बजी बट खाना नहीं मिला। ऐसे ही फिर उसने क्या किया, 8 और 10 के बीच में 9 बजे उसने घंटी बजा दी दूसरी वाली, खाना नहीं दिया, 10 बजे उसने खाना दे दिया बट घंटी नहीं बजाई। अब कुत्ता कंफ्यूज हो रहा है कि जिस टाइम घंटी बज रही है उस टाइम खाना नहीं आ रहा है, जिस टाइम खाना आ रहा है उस टाइम घंटी नहीं बज रही, मतलब कुत्ता कंफ्यूज हो रहा है। बट जब कुछ हफ्तों तक ऐसा चला फाइनली कुत्ते को समझ में आ गया कि घंटी का कुछ लेना देना नहीं है खाने से। अब कुत्ता घंटी की आवाज सुनता है कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, और जब खाना आ जाता है तब उसका लाटपकाना बढ़ रहा है। तो जो कि नेचुरल प्रोसेस है, खाना आने पर तो लाटपकाना बढ़ेगा, बट जो पहले उसने सीखा था, जो बिहेवियर उसने यहां पर एक्वायर किया था कि घंटी बजने का मतलब है खाना आने वाला है, वो बिहेवियर गायब हो गया है। अब कुत्ता जो उसकी बेल थी जिसपे वो खाना आता था और वो रिस्पॉन्स देता था, उस बेल की आवाज पे भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। अब ये पूरा एक्सपेरिमेंट जो था ये कंप्लीट हुआ। पैवलोव ने देखा अब कुत्ते ने उस वाली आवाज पे भी रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया है, कुत्ता उस बिहेवियर को हटा चुका है जो उसने सबसे पहले सीखा था, और इसको बोला गया एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन मतलब गायब हो जाना। अब जो बिहेवियर सबसे पहले डॉग ने सीखा था एक्विजिशन, वो गायब हो गया, वो एक्सटिंक्ट हो गया, वो विलोप हो गया उसका, ठीक है। तो पैवलोव ने देखा कि एक्विजिशन से स्टार्ट हुआ, जनरलाइजेशन की अलग अलग घंटियों पे भी रिस्पॉन्स दे रहा है, फिर फाइनली एक फिक्स घंटी पे ही रिस्पॉन्स दे रहा है, और फाइनली कोई घंटी पे रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तो पैवलोव ने देखा एक्सपेरिमेंट हो गया। अब पैवलोव ने दोबारा से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। पैवलोव ने क्या किया, फिर से 6 बजे जब खाना दिया घंटी बजाई, 8 बजे खाना दिया घंटी बजाई, 10 बजे खाना दिया घंटी बजाई, 6 और 8 के बीच में घंटी नहीं बजाई खाना भी नहीं दिया, 8 और 10 के बीच में भी कोई घंटी नहीं बज रही है, घंटी बज ही तब रही है जब खाना आ रहा है, तो दोनों बिल्कुल साथ साथ में हो रहे हैं जैसा कि बिल्कुल स्टार्टिंग में हो रहा था। अब कुत्ते ने ये बिहेवियर दोबारा से सीख लिया, बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पहली बार जब जब ये बिहेवियर और एक्सपेरिमेंट चल रहा था कुत्ते ने इसको सीखने में हफ्तों लगा दिए, फिर ये पूरे प्रोसेस से कुत्ता गुजरा, फाइनली बिहेवियर खत्म हो गया। थोड़े टाइम बाद जब इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा स्टार्ट किया गया, कुत्ते ने 1 दिन भी नहीं लगाया दोबारा से बिहेवियर को सीखने में, और इसलिए दोबारा से सीखने को कहा गया स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी, स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या है, स्वतः पुनः प्राप्ति। जो बिहेवियर पहले उसने सीखा धीरे धीरे करके अलग अलग फेजेस से गुजरते हुए वो खत्म हो गया, बट अब जब दोबारा वही एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ स्पॉन्टेनियस रिकवरी हुई, मतलब कुत्ते ने उसी बिहेवियर को कम टाइम में फिर से सीख लिया,
ये है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। अब ये जो है ये पूरा लर्निंग सिचुएशन है और इसका एक बहुत अच्छा सा ग्राफ बनता है, ठीक है। इस ग्राफ को हम समझते हैं, ये मैं मिटा देता हूं एक्विजिशन वगैरह। तो लर्निंग कर्व बोलते हैं इसको, ये जो मैं ग्राफ बना रहा हूं, लर्निंग कर्व। जब आप कोई चीज सीखना स्टार्ट करते हो आप जीरो पे होते हो, टाइम भी जीरो पे होता है, ये है टाइम और ये है आपकी लर्निंग। तो जब कोई चीज आप सीखना स्टार्ट करते हो आप जीरो पे होते हो, आप उस चीज को सीख 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 के काफी आगे बढ़ जाते हो और एक लेवल ऐसा आता है कि उससे ज्यादा आप और नहीं सीख पाते। तो आपने कोई चीज सीखना स्टार्ट की, उसके आप मैक्सिमम लेवल पे पहुंच गए, मैक्सिमम चीज सीख गए, फिर आपने उस चीज को करना बंद कर दिया, अब आप भूलना शुरू करते हो। बट भूल के भी आप कभी फाइनली जीरो पर नहीं आते, हमेशा कुछ ना कुछ आपको याद रह जाता है। फिर आप दोबारा सीखना जब शुरू करते हो तो ये सीखना बहुत स्पीड से होता है और आप बहुत जल्दी टॉप लाइन पे पहुंच जाते हो। ये है लर्निंग कर्व। अब जरा यहां पे ध्यान से देखिए, ये 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 और ये पॉइंट। पहली बार आपने जीरो से स्टार्ट किया, बढ़ते 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 आप मैक्सिमम लेवल पे पहुंच गए, उससे ज्यादा आप और नहीं जाओगे। ये है लर्निंग का प्लेटू, पठार, मैक्सिमम लेवल पे आप पहुंच गए। फिर आप भूलना शुरू करते हो, भूल के आप कभी भी फाइनली जीरो पे नहीं आते, आप एक मिनिमम लेवल पे रहते हो। फिर जब आप दोबारा सीखना शुरू करते हो तो बहुत कम टाइम में, इस कम टाइम में आप सीख लेते हो, बट जब आपने पहली बार सीखना शुरू किया था तो आपको इतना सारा टाइम लगा था। तो पहली बार सीखने पे देखिए आपको इतना सारा टाइम लगा और दूसरी बार सीखने पे आपको इतना सा टाइम लगा। ये है स्पॉन्टेनियस रिकवरी, ये है स्पॉन्टेनियस रिकवरी और ये था एक्विजिशन, ठीक है। ये है लर्निंग कर्व और ये पूछ सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या है। स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या है, एक बिहेवियर को सीख कर फिर भूल कर दोबारा से बहुत कम टाइम में सीख लेना है स्पॉन्टेनियस रिकवरी, ठीक है। तो ये थे प्रोसेसेस ऑफ लर्निंग और ये है लर्निंग कर्व। यहां पे खत्म होती है हमारी पैवलोव की थ्योरी। पैवलोव की थ्योरी में हमने सारी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ ली, डॉग वाला एक्सपेरिमेंट आपको और पढ़ना हो किसी भी बुक से पढ़ लेना। तो ये था पैवलोव, ये था बिहेवियरिज्म। यहां पे खत्म होता है हमारा बिहेवियरिज्म और आगे हम स्टार्ट करेंगे लर्निंग की और फील्ड्स, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां तक आप रेडी कीजिए, बिहेवियरिज्म तक रेडी कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।